स्मिता और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम बनाने वाले हैं घी का दिया। अगर हम मार्केट से ऑनलाइन खरीदते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं और ये बहुत ही लंबे समय तक और बहुत ही आराम से ये जलता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम फूल बाती बनाएंगे। अगर आपको फूल बाती बनानी आती है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर दें, अगर नहीं आती है तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं फूल बाती। बाती बनाने के लिए आप रोई लें थोड़ा सा और चारों तरफ से इसे उठाते जाएं इस तरह से, जैसे मैं बना रही हूँ। आप इसे ध्यान से थोड़ा देखें, उंगलियों पे थोड़ा सा दूध लगाएं। दूध से क्या होता है, बाती खुलती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से इसमें ऐंठन आता है। इस तरह से ऐंठते जाएं और जो ऊपर की जो बाती है निकली हुई है वो छोटी है। अगर आप इसे लंबी करना चाहते हैं तो रुई के छोटे छोटे फाहिल हैं इस तरह से, और इस पे लगाकर और फिर से दूध वाली उंगली से इसे बल देते जाएं। तो इससे बहुत अच्छे से टाइट बनता है, ओपन नहीं होता है और लंबी सी बत्ती जितनी चाहे आप बना सकते हैं इसकी। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और जब भी आपको खाली समय मिले तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। और ये देखिए सुंदर सी बाती तैयार हो गई हमारी। और नीचे से इसको हल्का सा ओपन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसकी सीटिंग बन जाए और ये अच्छी तरह से दिए में बैठ जाए। अब इसे घी में सेट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़े से वैक्स लेंगे। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, फ्रेश वैक्स है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कैंडल स्टिक होता है जो आप जलाते हैं घर पर, उसे आप ले लें, या फिर जो कैंडल जलने के बाद जो वैक्स बच जाता है ना इस तरह से हम फेंक देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसे फेंके ना, इसे आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी आप घी का दिया बना रहे हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच वैक्स लिया है और इसे हम डबल बॉयल करेंगे। डबल बॉयल का मतलब कि एक बर्तन में पानी गर्म करके रखेंगे और दूसरे बर्तन में जिसमें हमारा वैक्स है उसे रख देंगे और पूरा वैक्स आसानी से पिघल जाता है। फिर इसमें आप डालें थोड़ा सा कपूर मैश करके। कपूर से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें और जलने में भी आसानी रहती है। फिर इसी में आप डाल दें गाय का घी 2 बड़े चम्मच और सारा मेल्ट हो गया है, आप देख रहे हैं वैक्स और घी। फिर इस तरह से आपके पास आइस ट्रे हो उसे आप ले लें और इसमें थोड़े थोड़े वैक्स आप पहले डालें और फिर इसमें हम जो फूल बाती है उसे लगा देंगे। इससे क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से ये स्टैंड रहेगा। अब इसके बाद हम फिर से इसके ऊपर वैक्स डालेंगे और इसको बत्ती के ऊपर से डालें ताकि बत्ती भी कोट हो जाए और सारे इसी तरह से हम फिल कर लेंगे। गर्मी का मौसम है तो इसे आप फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, ठंड के मौसम में आप बाहर ही रख दीजिए, ये अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आपके पास आइस ट्रे नहीं है तो आप ना इस तरह से ढक्कन होंगे जो बॉटल के कैप्स होते हैं छोटे बड़े जिस साइज के हों आप उसे ले लें और इसमें भी हम फिल कर लेंगे जैसे हमने आइस ट्रे में फिल किया था और बत्ती को लगा लेंगे। और इस तरह से आप आसानी से घी का बत्ती बना सकते हैं। और ये घी का बत्ती बहुत ही लंबे समय तक चलता है और बहुत ही आसान रहता है, बार बार हमें बत्ती बनाना नहीं पड़ता है। और ये देखिए सेट हो गया है बहुत अच्छी तरह से हमारी बत्ती। इसे निकालने के लिए जैसे हम आइस निकालते हैं इस तरह से, और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया, काफी सुंदर लग रहा है हमारा ये घी का बत्ती। और अगर आप चाहते हैं कि ये और लंबे समय से चले तो इसे आप किसी भी बॉक्स में या किसी भी जार में रख के फ्रिज में रख दें, जब भी आप जलाना है जितना बत्ती उतना निकालें और जलाएं। इस तरह से ये बहुत लंबे समय तक चलता है क्योंकि इसमें वैक्स है और वैक्स जब ठंडा रहता है तो धीरे धीरे जलता है। इसी तरह से अगर कैंडल वगैरह है तो उसे भी आप फ्रिज में रख दें उसके बाद उसको जलाएं तो वो बहुत ही आराम से लंबे समय तक जलेगा। तो इस घी की बाती को आप ज़रूर से बनाएं अपने घर पर, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।